आज की वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट बॉक्स ऑटोमेशंस। तो हमने मैसेज बॉक्स ऑटोमेशन लास्ट क्लास में किया था, आज हम बात इनपुट बॉक्स ऑटोमेशंस के बारे में कि इनपुट बॉक्स कैसे यूज किया जाता है। तो हम आपने मेरे क्लासेस में देखा होगा या फिर इंटरनेट पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, इनपुट मतलब कि किसी तरह की इनपुट लेने के लिए मैंने लिख दिया कि ए इनपुट बॉक्स, हमने बोल दिया कि एंटर नहीं। अब जब यहाँ पे हम ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम जो भी नेम टाइप करेंगे, जैसे मैं टाइप किया पूजा, तो ये पूजा स्टोर हो जाएगा ए के ऊपर, और फिर जहां जहां यूज करना है वहां वहां यूज करते। इनपुट बॉक्स की यूज होता है जब आप कोई इनपुट लेना चाहे आप इनपुट ले सकते हैं, राइट। अब इसमें ऑटोमेशन क्या हो सकता है, अब मान लीजिए कि हमने जो इनपुट लिया है ये अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके किया, अब मैं इसको आसानी से कैंसिल बिना लिखे भी ओके कर सकता हूँ या कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना सर। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके आगे चल के आपके माइक्रो जब आप राइट करेंगे खुद से लिखेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जब आपका माइक्रो जब खुद ब खुद जब आप लिखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी एक मान लीजिए कि आपने एक मंथली रिपोर्ट सिस्टम तैयार कर रखा है कि जैसे इनपुट रन कर जैसे यूजर रन करता है इनपुट बॉक्स मांगता है, इनपुट बॉक्स में वो नेम मंथ लिख देता है और फिर पूरा माइक्रो चलता है और मंथ बाय रिपोर्ट जिस मंथ लिखा है उस मंथ का रिपोर्ट बना के दे देता है। ठीक है सर, हेलो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक है सर जी सर सुन रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि अगर किसी ने मान लीजिए कि मंथ में कुछ ना लिखा ब्लैंक कर दिया तब तो आपका दिक्कत हो जाएगा ना। तो मुझे यहाँ पे ये करना है कि भाई आपने मैसेज रन कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था ना यूजर फॉर्म का कि क्लोज नहीं कर पाओगे आपको जब तक कि लॉग इन नहीं करोगे, उसी तरह से जब तक आप नाम नहीं डालोगे तब तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे। कैसे करेंगे, तो इसको लूप में यहां पर डिफाइन करते हैं कि डिम ए एज ए स्ट्रिंग, ठीक है सर। फिर यहां पर कहते हैं कि डू अंटिल A is not equal to blank, और आप मैसेज देना चाहते हो एम एस जी बॉक्स प्लीज एंटर, ठीक है, और यहां पे लो दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा मुझे मान मैंने इसमें कैंसिल कर दिया आया प्लीज एंटर नेम और फिर वापस आ गया सर। अब जैसे मैंने यहां पे पूजा लिख दिया ये हट तो गया लेकिन मैसेज बॉक्स फिर भी मैसेज बॉक्स मांग रहा है, यहां पे कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ A is not equal to, sorry, A is equal to blank, then यहाँ पे enter। अब क्या होगा कि जब तक मैं नाम नहीं डालूंगा तब तक वो कैंसिल कर आपको मैसेज बॉक्स आते ही रहेगा, यूजर फॉर्म आपके इनपुट बॉक्स आते ही रहेगा, ठीक है सर। मैं अगर कोई नाम लिख के ओके करता हूं तो फिर अब मेरा एक हट जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल यूजर फॉर्म का जो क्लोज बटन है वो क्लोज बटन पे आप इसका भी यूज कर सकते हो, करके देखिएगा इस मेथड का। जी सर समझ में आया सर, एकदम क्लियर सर, क्लियर। पुष्पंदर जी आपको क्लियर हुआ? ठीक है सर। और यहाँ सर क्लियर है,
यहां भी आप जो है एक पूरी की पूरी मैसेज को कर सकते हो इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, राइट, यानी यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस हो गया और नेम के साथ आंसर्स करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, 5 क्वेश्चन लिखे, ज्यादा नहीं, 5। ये हमने एक टेस्ट सिस्टम बनाया था सर इसी मदद से। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने पढ़ाई की है राजकीय उच्च विद्यालय से, पब्लिक स्कूल से नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये डेमो है ना, तो डेमो है ना। ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब मुझे क्या करना है कि एक जैसे रन करे तो वन बाय वन उसको पहले ना वन करते रन करते उससे नाम पूछे, वो नाम यहाँ डाल दे, राइट। नाम डालने के बाद जो नाम है वो नाम डालने के बाद जो भी वो अपने आंसर्स डाले वो आंसर्स इसके साथ में नीचे आ जाए। और ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों को मुझे देना है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का यहाँ पे एंट्री हो गया नाम के साथ, दूसरे का यहाँ पे एंट्री हो गया, तीसरे को यहाँ पे एंट्री हो गया, चौथे को यहाँ पे, राइट। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट हम सबसे पहले टेस्ट टेस्ट के नाम से बनाते हैं, और ए सेम यहां पे डिम वही लूप चलाएंगे, नाम जरूरी है, बिना नाम के दिक्कत हो जाएगी ना सर। डू अनटिल n not equal to blank, और फिर यहाँ पे हमें देना है n equal to input box, पूछना है please enter name, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन देना है कि इसमें एक ही होया कि जैसे इनपुट बॉक्स में आप सिर्फ यही नहीं करते, टाइटल भी डाल सकते हो, यहाँ पे दे सकते हैं यूजर नेम, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या आना चाहिए, डिफॉल्ट को ही आप चाहते हो वो डिफॉल्ट आप कर सकते हो। एक्स वाई मतलब कि मेरा मैसेज बॉक्स जैसे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसकी पोजीशंस आप यहाँ पे डाल सकते हो सर। और यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं, कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं लूप, ठीक है। हमारा नेम जैसे ही डालेगा वो नेम आएगा, ठीक है। तो नेम जब आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे रेंज एफ डी वन डॉट नेम डॉट
एंड एक्सेल टू लेफ्ट होगा ना सर, डॉट ऑफसेट 0.1 डॉट वैल्यू, माने हर एक कॉलम के बाद डालना है ना, इक्वल टू एन। उसके बाद फिर यहां पे हम इनपुट बॉक्स देंगे आंसर, तो ए एन एस आंसर इक्वल टू वापस इनपुट बॉक्स। अब यहां पे क्वेश्चंस देने, तो क्वेश्चंस में क्या करना है, यहां पे क्वेश्चंस में हमें देना है यहां, अब यहां पे लूप लगेगा सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है ना, तो 4 आर इक्वल टू चले 2 टू यहां तक है 5 6, फिर यहां पे एएनएस आंसर इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसमें हमने दे दिया प्रॉम्प्ट में सेल, सेल्स में आई हमारा रो हो जाएगा और हमारा वन कॉलम हो जाएगा। टाइटल में क्या होना चाहिए, तो टाइटल में क्वेश्चन के साथ क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चन नंबर जो टाइटल में होना चाहिए, क्वेश्चन के साथ हमने कंबाइन किया आई माइनस वन, और डिफॉल्ट वैल्यू को रखना चाहते हो, पोजीशन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, और जो आंसर आएगा उसमें रखना है। अब यहाँ पे दिक्कत और आ गया, देख रहे हैं आपको सर कि ए जो वैल्यू को इसने डाला उसका रो नंबर पता होना चाहिए था, कॉलम नंबर कॉलम, क्योंकि कौन से में कर रहा है हमें नहीं पता ना सर, तो सी इक्वल टू कॉलम नंबर हम ले लेते हैं। फिर यहां पे हम करेंगे कि सेल्स, सेल्स में आई हमारा रो हो जाएगा और सी हमारा कॉलम हो जाएगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम करेंगे और फिर नेक्स्ट। ओके सर, अब यहाँ पे मैं देखते हैं, यहाँ यूजर नेम पहले मांग रहा है, तो हमने यूजर नेम में मान लीजिए दे दिया रवि का, रवि का टेस्ट है एंड हमने ओके किया। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई सर, दिक्कत आ गई, हमने गलती कर दिया कोड में, हमने गलती क्या कर दिया कि सेल वन नहीं, ये हमारा सेल टू होगा, क्वेश्चन टू राइट, जी सर टू टू है। हाँ तो चलिए अब एक बार वापस रन करते हैं इसको, रन, प्लीज एंटर नेम, मैंने दिया रवि, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द एक्सेल एक्सटेंशन, हमने दिया डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है, ओके सर। और देखिए इसका आंसर हमारा चला गया, हाउ मेनी डिफॉल्ट सीट, तो 3, व्हाट इज द कॉलम साइज, तो 255, रो हाइट 409, बट इट इज पॉसिबल मल्टी सीट लुकअप विद वी लुकअप, यस। ओके सर, अब दूसरा बंदा टेस्ट देगा, पहले बंदे का टेस्ट स्टोर हो गया, दूसरा बंदा टेस्ट देगा, यहां पे दिया मान लीजिए उसने नाम डाला उदय, ओके उदय डालने के बाद फिर उदय देखिए उदय आ गया, क्वेश्चन नंबर वन, इसने मान लीजिए कुछ गलत डाल दिया, ठीक है, क्लियर सर, हेलो जी सर, सर ठीक है। अब आपको इस टेस्ट सीरीज को ले जाके, तो मैंने इसे डमी बनाया, अब आपको इसको बनाना है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चंस में जैसे ये ऑप्शंस भी आने चाहिए, जैसे कि आपका ये भी जैसे ये हुआ कि माने इससे नाम बिना नाम का बाहर ही नाम जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए व्हाट इज एक्सटेंशन राइट, तो यहाँ पे ए बी सी डी भी कर सकते हैं, जी सर जी सर, बी सी डी ऐसे कर सकते हैं, यस नो, ये में ए बी में नो, ऐसे भी ऑप्शन दे सकते, तो आपको इसमें क्या करना है ऑप्शन दबाना है,
ऑप्शन क्वेश्चन के नीचे आना चाहिए सर। हाँ, 10 आपको, आप लोगों का प्रोजेक्ट है कि 10 क्वेश्चंस का आप एक टेस्ट बनाना है जिसमें एबीसीडी का ऑप्शन होना चाहिए, राइट? जी सर। और जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा और सबमिट पे क्लिक करने के साथ ही रिजल्ट दिखा देगा कि वो कितना परसेंट किया है उसका ए है और उसने कितना टाइम लिया है। टाइम भी पता होना चाहिए सर, समझे? वो यूजर फॉर्म में होना चाहिए और वो शीट में सर। क्या? नहीं 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 मैं बाद में मैसेज आना चाहिए, मैंने इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि कितना सही था और कितना गलत था और सॉल्व करने में उसने कितना टाइम लिया। एक सिस्टम आपको तैयार करना है इसका, हो जाएगा पुष्पिंदर जी? ट्राई मारेंगे सर। पुष्पिंदर जी